हाय फ्रेंड्स, रेनू फूड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बनाते हैं व्रत में खाने वाला नाश्ता। नाश्ता में आज हम बनाएंगे नमकीन। नमकीन बनाने के लिए हमने ले लिया 100 ग्राम बड़ा वाला साबूदाना, 100 ग्राम सेंग दाना, और इसमें डालने के लिए हमने ले लिया है काजू, बादाम, किशमिश और मखाने का लावा। 3 से 4 मिर्ची ले ली है और कड़ी पत्ता भी रखते हैं गैस पे कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालते हैं सिंगदाना का ऑयल। ऑयल को हम अच्छी तरफ से गरम होने देते हैं दोस्तों। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे सब एक एक। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं, तेल हमारा गरम हो चुका है। अभी हम इसमें डाल देते हैं 7 से 8 बादाम। बादाम को 2 से 3 मिनट तक हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसी में हम डाल देंगे काजू 3 से 4। उसके बाद हम उसमें डाल देंगे मखाना। मखाना को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और धीमी आँच पे फ्राई कर आँच पे अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। और हाँ दोस्तों, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे तभी अच्छा इसमें कड़कपन नमकीन वाला टेस्ट आता है। अभी हमारा काजू बादाम सब अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, निकाल के रख लेते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे सेंगदाना। सेंगदाना को डाल के 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से इसको भी फ्राई कर लेंगे धीमी आंच पे। सेंगदाना भी हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। और ये दोस्तों किसी भी उपास में आप व्रत में खा सकते हैं। इसमें फरारी नमक डाल के अच्छा लगता है, चाय के साथ खाओ बहुत अच्छा लगता है, नमकीन के जैसा लगता है और व्रत के लिए तो बहुत अच्छा है। अभी हमारा सेंगदाना भी अच्छे से पक के रेडी हो रहा है। अभी पक जाएगा तो हम इसको अच्छे से एक प्लेट में निकाल लेंगे दोस्तों। अभी हमारा सेंगदाना भी पक गया है, अभी इसको हम फ्राई हो चुका है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं। निकालने के इसको एक प्लेट में हम रख देते हैं। इसके बाद हम अभी हमने जो हरी मिर्ची लेके रखी है उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। डाल देते हैं तेल में, क्योंकि फ्राई मिर्ची को पहले से हम थोड़ा थोड़ा से कट कर दिए, नहीं तो बहुत तेज़ से फूटती है। इसके लिए हम इसको अच्छे से डाल के फ्राई कर लेंगे और कड़ी पत्ता भी उसी में डाल के फ्राई करके निकाल लेंगे। अभी हमारी मिर्ची भी तल के रेडी हो चुकी है दोस्तों। अभी इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो साबूदाना हमने लेके रखा है बड़ा वाला। और हाँ दोस्तों, इसको इस तरह फ्राई करें, एकदम धीमा करके आँच फ्राई करें, नहीं तो ये जो है अंदर से इसमें साबूदाना का वो गुठला रह जाता है और अच्छे से फूटता नहीं। और कम से कम 2 से 3 मिनट तो लगना ही चाहिए इसको अच्छे से फ्राई करने में, फिर बड़ा बड़ा ये फूल के हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अभी देखो कैसा बढ़िया फ्राई हो चुका है। और अभी हम इसको अच्छे से 2 से 2.5 मिनट और अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका अंदर का जो साबूदाना है वो अच्छे से फूल फूल के बड़ा हो जाए। और जितना ही अच्छे से फूलेगा उतना ही क्रिस्पी हमारी नमकीन बन के रेडी होएगी। अभी ये भी बन गया है, अभी मैं इसको तल के हो गया है, अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। प्लेट में निकाल के फिर सब इसको हम देखो कितना बढ़िया हमारा साबूदाना फूल के मस्त क्रिस्पी तैयार हो गया है। अभी हम इसको एक प्लेट में ठंडा होने देंगे 2 से 3 मिनट। उसके बाद हम इसको एक बाउल लेंगे बड़ा। बाउल में हम जो साबूदाना छान के रखे हैं उसको भी ले लेंगे। उसके बाद इसमें दोस्तों हम डालेंगे जो फ्राई करके मैंने सिंगदाना रखा है वो डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो मखाने का लावा फ्राई करके रखा है, काजू बादाम सब इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद आप नमक डालो, अगर उपास जैसा उपास है आपका नमक खाते हो तो आप फरारी नमक इसमें डाल सकते हो, नहीं तो मत डालो, वो आपका इच्छा है। इसमें हम डाल दिए फरारी नमक और इसमें लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं ताकि थोड़ा इसमें तीखापन आ जाए। और दोस्तों ये चाय के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून और इसको हम मिक्स करके अच्छे से आप किसी भी उपास में इसको खा सकते हैं। और दोस्तों हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मिलते हैं कुछ नया सा वीडियो लेके, कुछ नई सी रेसिपी लेके। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।